सभी को राधे राधे। सुबह का वक्त हो गया, नहा धो के आ गई हूँ और पीताम्बरी से लग गई हूँ। बर्तन धोने में चमका लिए बर्तन को, अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। पूजा में बैठ चुकी हूँ और थोड़ा सा मंदिर साफ कर लिया है, अच्छे से पूजा कर ली है। और पहले थोड़ा सा मंदिर साफ कर लेते हैं, रोज डेली करती हूँ, आज भी कर लिया है। और ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं करती करती हूँ। यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है, आरती हो जाएगी, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, नहला धुला लिया है, दीपक जला लिया है, आरती कर लेंगे। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाएंगे, प्रणाम करके फिर इन्होंने भी भोग लगाया और हम किचन में आ गए हैं। घी गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं और किचन में ही चाय इंजॉय कर रहे हैं। शाम को ही अपने कॉलोनी के भावनाथ मंदिर चले गए और वहां पे हो रहा था फंक्शन, फंक्शन भी हमने इंजॉय। और अपने श्री रामचंद्र जी के लिए भोग में मैंने मीठे में बनाया है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ईजी है। सबसे पहले जो है आप एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लीजिए और गाजर को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लीजिए। और मलाई वाला दूध जो है मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ था। और लगातार इसको चलाते रहेंगे, कभी ढक करके कभी ओपन, ताकि इसका जो वाष्प है वो उड़ जाए और अच्छे से खोए में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद चीनी डाली मैंने और थोड़े से जो है मैं इसमें मेवे डाल दूंगी। और मावा चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मेवे डाल दिए, ड्राई फ्रूट मतलब। और लगातार इसको चलाते रहेंगे, कभी मीडियम पे लो पे, और इस तरह से हमारा भगवान जी का प्रसाद भोग तैयार हो गया शाम है। का समय हो गया है और दीपक जलाना है, दियों से जगमग करना है घर को, क्योंकि हमारे श्री राम भगवान की आज प्राण प्रतिष्ठा है। और उन हर्षोल्लास में हमने घर को सारा ही जगमग कर दिया और स्वीट डिश भी बनाया, जिसमें हलवा बनाया था। और ये है हमारी कॉलोनी लाजपत नगर। हम मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं अपनी कॉलोनी के मनसा देवी मंदिर से। हमारे कॉलोनी में प्रोग्राम होने वाला था तो हमने सोचा चलो पहले उधर से दर्शन करते हुए आते हैं, फिर अपनी कॉलोनी में दर्शन करेंगे भगवान भावनाथ जी का, जो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और बहुत ही अच्छा सजा हुआ है और दीवों से जगमग कर दिया गया है। बहुत भीड़ थी क्योंकि हम तो उधर चले गए, तब तक भीड़ ख़त्म हो गई। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही भव्य मूर्तियाँ हैं। सभी ने मिलके यहाँ दीपावली मनाई है और दिए जलाए हैं। उसके बाद हमने भी यहाँ पर आके दर्शन किया और दिए कुछ जलाए। अब जा रही हूँ, कार्यक्रम चालू हो गया है वहाँ, क्योंकि कॉलोनी की ही सोसाइटी के लोगों ने मिलके कॉलोनी में राम जी के आगमन में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा था। तो पहले हम आपको मनसा देवी मंदिर का भी दर्शन, गली गली सजे हुए हैं, हर सोसाइटी हर मोहल्ला सजा हुआ है और मंदिर जहाँ भी हैं वो तो देखते ही नहीं बन रहे हैं। माता मनसा देवी मंदिर से तो मेरा बिल्कुल ही आने का मन नहीं था। बड़े प्यारे लग रहे हैं। बन गया बट वृक्ष बटन और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया मनमोहक डांस किए थे रामचंद्र जी के गाने पर। इसको हम कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए हमने प्रस्तुत कर रहे हैं। और खाने पीने की भी व्यवस्था थी, हमने वहीं खाया पिया एंजॉय किया और घर को आ गए। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए भोजन करते हैं, खूब इंजॉय किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।